हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया के सीक्वल के बारे में, यानी कि बद्रीनाथ के दुल्हनिया। जी हाँ, इसमें भी आपको वरुण धवन नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको नजर आएंगी आलिया भट्ट। ये आलिया भट्ट और वरुण धवन की तीसरी मूवी है। सबसे पहले उन्होंने 2012 में साथ में काम किया था, जो उनकी डेब्यू मूवी भी थी, जो करण जौहर ने डायरेक्ट की थी। उसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वो फिल्म बहुत ही बेहतरीन चली थी। उसके बाद 2014 में फिल्म आई थी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। वापस से वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी हमें दिखी और ये फिल्म ने भी धमाल किया और एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया था और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अब वापस से करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। 2014 में भी जो फिल्म आई थी उसे भी प्रोड्यूस किया था, उसे शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म को भी, यानी कि हम बद्रीनाथ की दुल्हनिया को भी, शशांक खेतान ही डायरेक्ट कर रहे हैं। और हाल ही में इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ वो 2 मिनट और 59 सेकंड का था, यानी करीबन करीब पकड़ लीजिए 3 मिनट तक का ये ट्रेलर था। एक अच्छा खासा ट्रेलर था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने ये ट्रेलर को देखा और मुझे कुछ चीज़ें ही सिर्फ डिफरेंट लगी। लोकेशन डिफरेंट लगा, लुक डिफरेंट लगा, लेकिन मुझे वही सेम फील आया, यानी कि हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में जिस तरह से इनोसेंस था, जिस तरह से बातें थी, उस तरह का एक फील आया। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आलिया भट्ट पसंद आ जाती है वरुण धवन को, तो उनके दोस्त कहते हैं कि आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, तो कुछ इस तरह से कहते। तो उसके दौरान वरुण धवन कहते हैं कि नहीं, मुझे अब शादी करनी है, सीधा इसे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। तो आई थिंक जिस तरह से ट्रेलर आगे बढ़ता है उससे ये समझ में आता है कि वरुण धवन रिश्ता भेज देते हैं आलिया भट्ट के घर पर कहीं ना कहीं आलिया भट्ट की तरफ से इनकार आ जाता है। उसके बाद वरुण धवन यहाँ वहाँ उनसे पीछा करने लगते हैं। उसके बाद किस तरह से रिप्लाई करती है आलिया भट्ट, वो पूरा एक तामझाम दिखाया गया है इस ट्रेलर में। और हाल ही में बीच इन द मिड ऑफ द ट्रेलर अगर आप देखोगे मिडल में, और ट्रेलर के आलिया भट्ट को जब बस में छेड़ते हैं तो बस में आलिया भट्ट पूछते हैं उनसे सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो वरुण धवन कहते हैं इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और एट द एंड ऑफ द ट्रेलर आप देखोगे तो जवाब आता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कुछ आर इंटू टी इंटू कुछ इस तरह से डिवाइड बाय 100, आर इंटू पी इंटू टी इंटू डिवाइड बाई 100 उस तरह से आंसर आता है। उसके बाद जैसे ही आलिया भट्ट ने जवाब सुनते, उसके बाद आलिया भट्ट बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। तो उन्होंने कहते हैं कि ठीक है, कुछ 1 हफ्ते के बाद आके मैं फॉर्मूला जरूर बता दूंगा। थोड़ा बहुत कॉमेडी है स्टार्टिंग के जो आप 2.5 मिनट तक देखोगे, यानी 2 मिनट 30 सेकंड तक, तो आपको मोस्टली इसमें कॉमेडी डायलॉग्स वाली चीज़ें लगी। लेकिन लास्ट के जो 30 सेकंड उसमें दिखाया गया है कि इमोशंस दिखाए गए, प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, और कुछ डायलॉग्स ही जो जबान पर आपके रह जाएंगे। और जहाँ पे वरुण धवन एक डायलॉग कहते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझसे जो शादी करेगा उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है, मतलब आलिया भट्ट को देखकर ऐसा उन्होंने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि जिसकी जिससे तुम शादी करोगे उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से कई सारे डायलॉग्स हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीक्वल सेम तो नहीं होगा हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया की तरह, लेकिन सेम उसी तरह कुछ होगा इसमें, अलग होगा। और वरुण धवन एक कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से बहुत सूट करता है उनके ऊपर कॉमिक टाइमिंग, और आ गया ही। और उसके पहले भी आई थिंक मैं तेरा हीरो जैसी फिल्म में अच्छी खासी कॉमेडी करते हुए नजर आ चुके हैं वरुण धवन। इस फिल्म में भी थोड़ा कॉमेडी थोड़ा ड्रामा होगा, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें वरुण धवन का जो टोन है थोड़ा भोजपुरी टाइप वाला जो एसेंट है, जो यूपी वाला टोन है या दिल्ली वाला जो टोन है, वो थोड़ा आपको नजर आएगा इसमें, और जो काफी अच्छा आई थिंक ऑडियंस को लगेगा ऐसा लग रहा है। फिल्म का जो रिलीज होने की डेट है वो भी तय हो गई है, 10 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी, होली के मौके पर। तो एक बहुत अच्छा समय चुना है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को रिलीज करने का। तो देखते किस तरह से फिल्म जब आएगी, गाने इसके आएंगे, किस तरह से चीजें होगी। और बादशाह का कहीं ना कहीं बीच में आप ट्रेलर में देखोगे तो गाना है, और इसमें तम्मा तम्मा लोगे जो एक पुराना बहुत फेमस सॉन्ग है वो भी है। कई सारी चीजें इसमें मिक्सअप है इस ट्रेलर में, ओवरऑल एक अच्छा खासा ट्रेलर है। अगर इसे रेटिंग देने की बात अगर आएगी, 5 में से कितने रेटिंग दी जाएगी, तो आई थिंक मुझे उतना ज्यादा खासा नहीं लगा, कुछ अलग नहीं लगा, तो मैं 3 स्टार ही दूंगा 5 में से। और देखते किस तरह से आने वाले दिनों में इसके गाने और बाकी चीजें आती है, किस तरह से प्रमोशन होते हैं। आपको कैसे लगा है ट्रेलर आप जरूर बताइएगा। और आपने अगर ट्रेलर नहीं देखा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ट्रेलर का लिंक डाल देता हूँ, ताकि आप वहां से इसे देख सकिए। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पहुंची तो आपको इसी तरह अपडेट करता हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।